हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। आज की वीडियो में मैं अनबॉक्स और टेस्ट करने वाला हूँ 2-in-1 ड्रोन। ये ड्रोन फ्लाई कर सकता है और एक बाइक की तरह कन्वर्ट होकर जमीन पर भी चल सकता है। बड़ी ही कमाल की चीज है। इस वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना, आज आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है ये ड्रोन की वीडियो देखकर। इस ड्रोन के सारे फीचर्स यहाँ पर लिखे गए हैं। इसके अंदर एल्टीट्यूड होवर है, इमरजेंसी स्टॉप है, 1 की टेक ऑफ और लैंडिंग है, 1 की रिटर्न है, 360 डिग्री फ्लिप भी मार सकता है ये ड्रोन, हेडलेस मोड है, इसके अंदर डिफॉर्मेशन है यानी कि ये बाइक की तरह कन्वर्ट भी हो सकता है, और वाईफाई कैमरा भी है। तो देख सकते हो गाइस, इस तरह के बॉक्स में मिला है हमें ये ड्रोन। बॉक्स के पीछे देख सकते हो, ये ड्रोन हमें 2 कलर्स में मिलता है, एक ग्रीन और दूसरा वाला है ब्लू। यहाँ पे देख सकते हो इसके रिमोट के अंदर कौन सा बटन किस लिए यूज होता है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से दिया गया है। इस ड्रोन के अंदर एक और मॉडल भी आता है, उस मॉडल के अंदर हमें इस तरह की एक जायरो वॉच मिलती है। हम चाहे तो जायरो वॉच से भी इस ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हैं, पर इसके अंदर जायरो वॉच नहीं है गाइस। इसका रिमोट देख सकते हो, इस तरह का बड़ा ही कमाल का रिमोट भी मिलता है हमें इस बॉक्स के अंदर। तो चलो दोस्तों, बिना वक्त वेस्ट किए फटाफट से इसकी कर लेते हैं अनबॉक्सिंग, और बाहर जाकर इसे मैं आपको उड़ा के भी बताऊंगा और जमीन पर भी चला के बताऊंगा ये ड्रोन किस तरह से कन्वर्ट होता है और किस तरह से चलता है। इस ड्रोन को मैंने खरीदा है zapting.com से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो वेबसाइट का नाम भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वेबसाइट का नाम है zapting.com। ये रहा हमारा ड्रोन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, और इसका प्राइस है 4499। आप अगर इसे खरीदना चाहते हो तो बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप zapting.com से इस ड्रोन को खरीद भी सकते हो। तो चलो दोस्तों, इसे ओपन कर लेते हैं फटाफट। आपने अभी तक चटपट टॉय टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकॉन भी दबा देना और ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर से ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं वो वीडियो आप सबसे पहले देख सको। तो यहाँ पे सबसे पहले निकाल लेते हैं हमारे ड्रोन को बाहर। ये आ गया हमारा ड्रोन बाहर, और ये रही इसकी यूजर गाइड, और यहाँ पे है इसका बड़ा ही कमाल का रिमोट। अरे भाई, एक बार इसका डिज़ाइन देखना यार, क्या कमाल का डिज़ाइन है इस रिमोट का। और यार इसकी क्वालिटी तो देख सकते हो, क्या तगड़ी क्वालिटी है इस रिमोट की, और इतने ढेर सारे बटन्स भी दिए गए हैं इस रिमोट में। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा गाइस, और ये बटन किस लिए यूज़ होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा गाइस। वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखते रहना। तो इसे रख देते हैं साइड में, और इसके साथ कुछ चीज़ें भी मिली है मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा इसका चार्जर, ये रही इसकी बैटरी। तो इसकी बैटरी हमें मिलती है 550 mAh वाली, और यहाँ पे है कुछ एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स, देख सकते हो 4 एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स मिले हमें, और एक स्क्रू ड्राइवर भी मिला है। यहाँ पे है इसकी सबसे मज़ेदार चीज़, ये निकाल लेते हैं बाहर यहाँ से। जब हम इस ड्रोन को बाइक में कन्वर्ट करते हैं तो ये व्हील्स हमें लगानी होती है इन प्रोपेलर्स को निकाल कर, तभी ये जो ड्रोन है बाइक में कन्वर्ट होता है। ये भी किस तरह से करते हैं मैं आपको बताऊंगा गाइस, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो इसे रख देते हैं साइड में, पहले हम हमारे ड्रोन की क्वालिटी देख लेते हैं। अरे भाई, एकदम गजब की क्वालिटी है गाइस, देख सकते हो यहाँ पे भी लिखा है 2-in-1 ड्रोन बोलकर। वाओ, यहाँ पे हैंडल, यहाँ पे इसको ऑन ऑफ वाला स्विच, इसके प्रोपेलर्स देख सकते हो वाइट कलर के प्रोपेलर्स है, यहाँ पे इसका बैटरी सेक्शन। तो चलो फटाफट से पहले इसके अंदर बैटरी डाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पर इस तरह से बैटरी लगाना होता है हमें। ये डाल दी मैंने इसके अंदर बैटरी। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ दी गई है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इस तरह से फोल्ड किया गया है इसे, ये है इसके लैंडिंग गियर्स। तो जब ये ड्रोन मोड में होता है तभी हमें इसे ओपन करना होता है गाइस इस तरह से, वरना इसके प्रोपेलर्स देख सकते हो नीचे टच होने लगेंगे। तो अभी इस रिमोट के अंदर कौन सा बटन किस लिए काम करता है ये देख लेते हैं गाइस। जो ये फर्स्ट वाला बटन है, फोटो खींच सकते हैं हम यहाँ से, और यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और यहाँ से 360 डिग्री फ्लिप मार सकता है अगर हम ये बटन दबाते हैं तो।
ये नेक्स्ट वाला बटन है, हम इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, 30% स्पीड है, 60% स्पीड है और 100% स्पीड तक ले जा सकते हैं इस ड्रोन को हम। ये जो बटन है 1 की टेक ऑफ है, ये जो बटन है 1 की लैंडिंग है, ये वाला बटन इमरजेंसी स्टॉप करने के लिए काम में आता है, ये वाला जो बटन है हेडलेस मोड में कन्वर्ट हो जाता है अगर हम ये बटन दबाते हैं तो। ये जो बटन है 1 की रिटर्न की तरह काम करता है, अगर हम इसे 3 सेकंड्स तक होल्ड करके रखते हैं तो गाइस जब हम इसे बाइक में कन्वर्ट करते हैं तो ये बाइक की तरह चलने लगता है ड्रोन। यहाँ पे हम इसके लाइट्स बंद कर सकते हैं ड्रोन के इस बटन से, यहाँ पे इसका ऑन ऑफ वाला स्विच, यहाँ पे आपको जो ये 4 बटन्स नजर आ रहे हैं ना गाइस, ये 4 बटन्स इस ड्रोन को ट्रिम करने में मदद करते हैं। यह है ऑन ऑफ वाला स्विच, इस तरह से ऑन हो जाता है, यहाँ पे देख सकते हो एक लाइट भी ब्लिंक कर रही है इस एरो मार्क में। बड़ा ही तगड़ा रिमोट है गाइस, इसके अंदर हमें टोटल 4 बैटरीज डालनी होती है, यहाँ पर 2 बैटरीज और यहाँ पर 2 बैटरीज। तो दोस्तों अभी मैं आपको बता देता हूँ इस ड्रोन को हम बाइक में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले तो हम इसके प्रोपेलर्स निकाल लेंगे यहाँ से, कहीं दूसरी जगह पर लगाओगे तो ये ड्रोन बिल्कुल भी फ्लाई नहीं करेगा। ये जो व्हील्स दिए गए हैं इन व्हील्स पर भी एक नंबर लिखा हुआ होता है, यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है A, यहाँ पर भी A बोलकर लिखा हुआ है, तो हमें इस व्हील को यहीं पर ही लगाना है गाइस। अगर आप इसे दूसरी जगह लगा दोगे तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो चलो मैं फटाफट से इन व्हील्स को जोड़ लेता हूँ, इसे जोड़ना भी बहुत ही ईजी है दोस्तों, बस आपको इस तरह से बैठाना है और इस तरह से टर्न कर देना है। ओके, चारों व्हील्स मैंने बैठा दिए गाइस, अभी देखना इसका कमाल। इस तरह से हमें इसे फोल्ड करना होगा, इन लाइनिंग गेयर्स को क्लोज कर देंगे यहाँ से और इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये बाइक में कन्वर्ट हो जाएगी। लास्ट तक जरूर से देखना गाइस, ये बाइक में कन्वर्ट होने के बाद किस तरह से चलती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसे इस तरह से प्रेस कर देंगे हम, यहाँ से भी इस तरह से प्रेस कर देंगे, अभी देख सकते हो गाइस है ना कमाल की चीज, पूरी तरीके से हमने इस ड्रोन को कन्वर्ट कर दिया है बाइक में। तो गाइस देख सकते हो सारे प्रोपेलर जोड़ लिए हैं मैंने, तो अभी इसका ऐप किस तरह से डाउनलोड करना है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो ये रही इसकी यूजर गाइड, यहाँ पर हमें 3 बारकोड्स नजर आएंगे। अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आपको ये देख सकते हो ये वाला बारकोड अपने मोबाइल से स्कैन करना है, अगर आपके पास एप्पल वाला मोबाइल है तो ये वाला बारकोड आपको स्कैन करना है। तो मेरे पास एंड्रॉयड वाला मोबाइल है, मैं ये बारकोड आपको स्कैन करके बताता हूँ और इसका ऐप भी डाउनलोड करके बताता हूँ इसका ऐप किस तरह से काम करता है। तो ये ले लिया मैंने मेरा मोबाइल, तो इसे स्कैन कर लेते हैं अभी, तो ये हो चुका है स्कैन, तो नेक्स्ट करते हैं यहाँ से, ये जाएंगे हम नेक्स्ट यहाँ से, तो हम यहाँ से सीधा प्ले स्टोर में आ जाएंगे। तो इसके ऐप का नाम आप देख सकते हो H5 Wi-Fi, तो इसे ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखा है, तो इसे ओपन कर देता हूँ यहाँ से। ये रहा हमारे ऐप का इंटरफेस, यहाँ से आप चाहे तो इसके अंदर कुछ भी सेटिंग्स कर सकते हो, राइट हैंड मोड भी चला सकते हो, इसके अंदर 720p प्रीव्यू भी देख सकते हो। तो हम पूरी तरीके से अभी इसके ऐप के अंदर आ चुके हैं, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, फोटो ले सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, ड्रोन का स्पीड बढ़ा सकते हो, 30%, 100%, 60% होता है। तो यहाँ से देख सकते हो गाइस पूरी तरीके से आप इस ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हो इस ऐप के जरिए। इसके अंदर एक कैमरा भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे सामने देख सकते हो यहाँ पे है इसका कैमरा। हमारे ड्रोन के साथ हमारा ऐप पूरी तरीके से हो चुका है कनेक्ट। तो चलो दोस्तों अभी चलते हैं बाहर, इस ड्रोन को फ्लाई करके देखेंगे और इसे बाइक में कन्वर्ट करके नीचे भी चला के देखेंगे ये ड्रोन किस तरह से चलता है। तो चलो लेट्स गो।
दोस्तों इस ड्रोन को मैंने कर लिया है पूरी तरीके से टेस्ट। आप लोगों ने भी देखा होगा ये जो ड्रोन है बाइक में कन्वर्ट होने के बाद नीचे कितनी जबरदस्त तरीके से चल रहा था और फ्लाई तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहा था। यार मुझे तो ये ड्रोन काफी ज्यादा पसंद आया क्योंकि गाइस इस तरह के 2-in-1 ड्रोन काफी कम देखने को मिलते हैं मार्केट में। और गाइस इस ड्रोन के प्राइस रेंज के हिसाब से इसका कैमरा भी मुझे ठीक ठाक सा ही लगा, तो ओवरऑल बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का ड्रोन है गाइस। आप अगर इसे खरीदना चाहते हो तो बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है zapting.com का, वहां से जाकर आप चाहे तो इस बाइक वाले ड्रोन को खरीद भी सकते हो। जहां तक गाइस इस ड्रोन की कनेक्टिविटी की बात करें तो ये ड्रोन आराम से 100 मीटर तक की कनेक्टिविटी दे देता है। ओवरऑल गाइस मुझे तो ये ड्रोन काफी ज्यादा पसंद आया। तो चलो दोस्तों अभी हम दे देते हैं शाउट आउट। दोस्तों कल मैंने RC एनिमल्स टॉयज कलेक्शन दिखाया था, वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी तो जाकर जरूर से देख लेना यार, बड़ा ही कमाल का वीडियो था। यहाँ पे सबसे पहला नाम आ जाता है आलोक घोष, अभिषेक रॉय, अनामिका सरकार, लक्ष्य बघेल, सगनप्रीत, साई श्रेयश, सादिक बाशा, अजय वी कुमार, रंजीत कुमार, वेद प्रकाश, मोहम्मद सरहान, प्रिंस यादव, तुषार खांडरे, सोमिल डोगरा, सोमा सरकार। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। और दोस्तों आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों ताकि मैं आपको ही शॉर्ट आउट दे सकूं। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 15 लोगों का नाम सेलेक्ट करूंगा जो भी यहां से अच्छे से कमेंट करेंगे और इस वीडियो पर लाइक करेंगे। तो चलो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे होती है एंड, मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह के कुछ धमाकेदार टॉयज के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।